जी नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार। हमारा YouTube चैनल महर्षि परासर वैदिक ट्रस्ट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 12 राशि के ऊपर ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। पिछला एपिसोड में हम बात किए थे नाप ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा लाइट एमिटिंग करता है। आज हम बात करेंगे नवग्रह के बारे में और राशि के ऊपर उनका प्रभाव क्या रहेगा। वैदिक ज्योतिष में 12 राशि होता है। 12 राशि और नवग्रह और 27 नक्षत्रों को लेकर वो काम करता है। 12 राशि में पहला जो राशि होता है वो मेष होता है, उसके बाद वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। उतने राशि को लेकर 12 राशि का मतलब है ये एक फिक्स साइन होता है, राशि फिक्स होता है और प्लैनेट जो ग्रह होते हैं ये मूवमेंट करते हैं। 12 राशि के ऊपर ग्रह का संचार डिफरेंट तरीका में होता है और जो हम लोग बोलते हैं हमारा राशि, वो राशि का मतलब होता है चंद्रमा का वहाँ पर बैठना। किसी भी साइन के ऊपर चंद्रमा जहाँ पे बैठ जाता है वही राशि बन जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी का राशि होता है मेष राशि, इसका मतलब है उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है। तो जितना भी राशि बनता है सारे के सारे राशि में चंद्रमा जिस भाव में और जिस नक्षत्र के ऊपर बैठ जाता है उसी राशि और नक्षत्र हमारा राशि नक्षत्र बन जाता है। उसके बाद हम आज बात करेंगे लग्न क्या है। लग्न का मतलब है जहाँ पर एनर्जी लगन शुरू होता है सूर्य की गति से, और सूर्य जो भी भाव में बैठ जाता है सुबह जब सूर्योदय होता है उसी भाव को हम लग्न बोलते हैं। जितने भी लग्न होता है एक एक लग्न लगभग 2 घंटा का आसपास है। हम एक बात करते हैं संक्रांति बोलते हैं, आज का दिन में आज है वृश्चिक संक्रांति, इसका मतलब है सूर्य का वृश्चिक राशि में बैठना। सूर्य हर राशि में 1 महीना रहता है, उसके बाद राशि परिवर्तन करता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में बैठेगा आज का डेट में कोई भी बच्चा जन्म लेगा सुबह सूर्योदय से 2 घंटा लगभग सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, तो उस बच्चे का वृश्चिक लगन ही बनेगा। तो लगन में सारी एनर्जी वहीं पर केंद्रित होता है, उसके बाद वो एनर्जी केंद्र और त्रिकोण ये कुंडली का एक भाव होता है उसी के अंदर अंदर ये ट्रांसफर होता है। और कुंडली में लग्न का जो स्वामी बनता है लग्नेश उसको कहा जाता है, लग्नेश को सदा पवित्र माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। लग्नेश जहाँ पर भी बैठ जाता है उसी भाव को भी वृद्धि कर देता है। आज हम एग्जाम्पल लेंगे एक लग्न के बारे में, मेष लग्न। मेष लग्न लगन का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। मंगल जहाँ पर भी बैठेगा, मंगल लगन में बैठेगा तो आदमी खुद को ज़्यादा लव करेगा। असेंडेंट लॉर्ड जो लगन का स्वामी होता है उनको उसी लगन का लॉर्ड जहाँ पर भी बैठ जाएगा आदमी उस रिगार्डिंग आदमी को काफ़ी लव करेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज लगन का लॉर्ड दूसरा भाव में बैठ गया, दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, आदमी उनका कुटुंब को ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद तीसरा भाव में बैठ गया, तीसरा भाव होता है छोटा भाई का, आदमी छोटा भाई के साथ उनका ज़्यादा लगाव रहता है। फोर्थ हाउस होता है लग्जरी का, फोर्थ हाउस होता है माता का, गाड़ी भूमि वाहन का। वो लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा आदमी उनका माँ के साथ ज़्यादा प्यार करेगा। वही लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाएगा, पंचम भाव होता है संतान का, आदमी संतान के साथ ज़्यादा लगाव रहेगा उनका।
लग्ने छठा भाव में बैठ जाएगा तो छठा भाव होता है रोग का, शत्रु का। आदमी शत्रु के साथ भी ज्यादा रिश्ता बनाए रखेगा। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ गया, सप्तमेश होता है वाइफ का, तो अपना पत्नी को भी वो ज्यादा प्यार देता है। लग्नेश अष्टम भाव में बैठ गया तो अष्टम भाव होता है रोग का, एक्सीडेंट का, आयु का, तो उसी जल यात्रा का भी होता है अष्टम भाव, तो आदमी जल यात्रा में जाने के लिए भी काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। नवम भाव, लग्नेश नवम भाव में बैठ गया तो नवम भाव होता है धर्म का, आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाता है। दशम भाव में लग्नेश बैठ गया, दशम भाव होता है कर्म का, पिताजी का, आदमी पिता के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशन रखता है, काफी बेटा और जो पिता और पुत्र का संबंध बहुत बढ़िया बन जाता है। उसके बाद लग्नेश बैठ गया ग्यारहवें भाव में, लाभ भाव में, तो बड़े भाई का भी भाव होता है एकादश भाव, बड़े भाई के साथ भी बढ़िया रिश्ता बन जाता है। उसके बाद लग्नेश बैठ गया द्वादश भाव में, द्वादश भाव व्यय का होता है, कर्ज का होता है। लग्नेश द्वादश भाव में बैठने से भी आदमी को ज्यादा एक्सपेंसिव कर देता है, आदमी बहुत खर्च कर देता है। और लग्नेश को सदा पवित्र माना जाता है, लग्नेश जहाँ पर भी बैठ जाता है उस भाव को वृद्धि कर देता है, पॉजिटिवली वृद्धि करता है। द्वादश भाव में बैठ गया खर्च तो बढ़ेगा, तो आदमी ज्यादा इनकम करेगा तो खर्च करेगा ना, वही मतलब है। लग्नेश जहाँ पे बैठता है, जिसी भाव में रहता है, उसी भाव को वृद्धि कर देता है। वैदिक ज्योतिष में लग्नेश को काफी पवित्र माना जाता है, और हम अगला वाला एपिसोड में बात करेंगे बाकी प्लैनेट कौन सा प्लैनेट कौन सा भाव में बैठने से ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, बहुत बढ़िया होता है, उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आज इतना ही। आप हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ कमेंट भी करिए, और आगे नया वीडियो जो आएगा उसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज इतना ही, नमस्कार।